हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज ऑन सॉफ्टवेयर। ये आपके जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, अभी अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे आपके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, अगर किसी भी, मैंने तो स्पेशली बहुत सारे एग्ज़ाम हैं कि याद नहीं रहता है सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने लिखा है जेकेएसएसबी एग्ज़ाम एफए और एसआई के लिए भी है। और अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका सॉफ्टवेयर टॉपिक है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी होगा। ठीक है, हार्डवेयर में अगर आपने इनपुट आउटपुट पढ़ लिया तो वो आपके लिए इनफ हो जाता है, हार्डवेयर आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर की बात आती है जिसमें हम सॉफ्टवेयर की डिस्कशन करते हैं, इसका थियोरटिकल पार्ट पढ़ते हैं, फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो बड़ा कुछ पढ़ते हैं थियोरटिकली देखा जाए। तो इसके करेंगे हमें सिर्फ एमसीक्यू यहाँ पे। तो आपने, मुझे पता है कि सबने थियोरटिकल पार्ट तो कम्प्लीट कर ही लिए हैं। एमसीक्यूज की बात आती है कि हम अपना टेक्स्ट लेवल है जो किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हम कितना हमें आता है कितना हमें नहीं आता। ठीक है, तो आज हम यहीं पे वो चेक करने जा रहे हैं। लगभग 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही आज यहाँ पे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है आपने, तो कमेंट भी करना है आपने क्या क्या साथ में लाइव चैट के साथ साथ। ठीक है गाइस, तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसकी कंप्यूटर नॉलेज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। कंप्यूटर नॉलेज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें विजिट करना है आपको। वहाँ पे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 1 से लेके 8 वीडियोस में आपने, मैंने कवर किए हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, पंचायत कॉन्टेस्टेंट का हुआ है, 2019 में एग्ज़ाम मुझे हुए, 18 में हुए, 17 में, 16 में, ठीक है, जितने भी जनरल टीचर के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हुए मैंने सारे के सारे वहाँ पे कवर कर दिए हैं। जैसे कि माइग्रेंट्स का एग्ज़ाम हुआ था, उनका भी कवर कर लिया है, तो आप वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, अगर आपको बहुत सारी कुछ पर्सनल क्यूरीज बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट्स में, देखिए गाइस, अगर आपको इस तरह की क्यूरीज पूछनी हो तो आप कमेंट में मत पूछ लीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट है जिसने मेरे साथ आईडी शेयर कर दी कि सर मेरी आईडी चेक कर दी। देखिए, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है अपने नाम की, तो उसको आपने इस तरह से शेयर नहीं करना होता है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा शेयर नहीं करना होता है। तो आप हमें, मैंने बोला था फेसबुक या टेलीग्राम पे, आप सॉरी इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज आप कर सकते हो, रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। साथ साथ में मैंने भी क्वेश्चन पढ़ना है, साथ साथ में आप अपनी जितनी स्पीड से पढ़ सको, जितनी स्पीड से अपना आंसर लिख सको लाइव चैट में, तो आपने लिखना ही है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनटेंजिबल इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, वो कौन सी टर्म होती है जो कि कंप्यूटर को कहती है कि इनटेंजिबल है, जो कि हमें दिखती नहीं है। एक तो होती है टेंजिबल, दूसरी होती है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल्स वो चीज़ होती है जो हमें दिखती भी है, जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। कहता है कि कौन सी टर्म यूज़ होगी कि जो एक इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे आगे क्या करना है, वो क्या सिस्टम होता है, वो क्या, वो हार्डवेयर होता है, क्या वो सॉफ्टवेयर होता है, क्या वो स्टोरेज होता है, क्या इनपुट आउटपुट होता है, या फिर नन ऑफ द दिस होता है। देखिए, अगर इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको हम टच कर सकते हैं। बाकी आउटपुट इनपुट ये तो बाद में आती हैं, पहले ये हार्डवेयर की फॉर्म में आती हैं। अब इसमें आके जैसे हार्डवेयर आ गया आपका, इसमें आपका अब आता है इनपुट भी आता है और आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी एक होता है, एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, इस तरह से ये कैटेगरी में आके डिवाइडेड होती हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा वो हम शेयर करते जाएंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द फिज़िकल कंपोनेंट दैट ए कंप्यूटर इज मेड ऑफ, क्या फिज़िकल कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर का बना होता है? देखिए, ये तो गलत है। फर्मवेयर तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ रैम रोम का होता है, ये भी गलत है। क्या प्रोग्राम्स है? बिल्कुल सही। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 3 है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल दी है वो एक सॉफ्टवेयर है? क्या वो कीबोर्ड है? कीबोर्ड ने अभी बताया कि ये हमारी हार्डवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर की फॉर्म में है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसमें आपको एक सर्च इंजन होता है जो आपका, इसको हम बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू रन डाटा इनटू। प्राइमरी पर्पस क्या रहता है सॉफ्टवेयर का, कि डाटा को रन करना है, एंड जो एक रॉ डाटा होता है, डाटा का मतलब रॉ डाटा जो भी होता है बिखरा हुआ, उसको एक कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, उसको एक कन्वर्ट करना है हमें प्रोग्राम्स, शॉर्ट्स, ऑब्जेक्ट या वेबसाइट या क्या होता है, तो उसको करना होता है इनको डाटा इनटू इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उनको लाना पड़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज, मैंने अभी बताया, यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड फॉर इनपुट, यूज्ड ओनली इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद बताता है कि स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस आर क्लिकिंग आइकॉन और कॉल। ये क्या होता है कि स्टेप और स्टेप हमें जब आगे आगे बढ़ते हैं तो हमें बताता चलता है कि कैसे कैसे आगे क्या करना है, तो ये आपका होता है इंस्ट्रक्शन। मान लो कि आप JKSSB की वेबसाइट खोलते हो, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हो, पहले आपसे आपका जीमेल मांगा जाएगा, फिर आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, फिर आपसे आएगा ऑप्शन कि अप्लाई करो, फिर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपको पोस्ट्स आएंगी कि कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती रहेंगी, आप उनको फॉलो करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद द टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, दो कैटेगरी होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी सिस्टम, दूसरी होती है आपकी एप्लीकेशन, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अलाउज द यूजर्स टू डायग्नोज एंड ट्रबल शूट द डिवाइस, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए ये तो नहीं है, इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट, बिल्कुल भी नहीं, इट इज एन ऑप्शनल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, हैव द कंप्यूटर मैनेज्ड इंटरनल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात, ये कंप्यूटर की हेल्प करता है कि जब कंप्यूटर मैनेज करता है इंटरनल रिसोर्सेज को, ठीक है, यानी कि अंदर की जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। प्रोग्राम्स डिजाइन टू गवर्न द कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड यूजर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ टेक्निकल, तो गाइस इसका आंसर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क टूगेदर, तो ये इसका आंसर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। इसका क्या आएगा, इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प ए कंप्यूटर कंट्रोल टू ऑपरेट द इफेक्टिव एंड कीप द ट्रैक ऑफ डाटा, डाटा को ट्रैक पे लाने की कौन मदद करता है, क्या आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, हार्डवेयर सिस्टम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम करता है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, या आपकी जो हेल्प करता है वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हेल्प करता है। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ए, क्या कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा जब उसके पास एक क्या चीज़ नहीं होगी, उसके पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो अपने आप को बूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे बिना दिल के, तो ये नहीं बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हार्ट है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट रन एंड टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू यूज़ हिज कंपोनेंट, कौन कहता है कंप्यूटर को अपने कंपोनेंट को यूज़ करो, क्या यूटिलिटी कहती है, एप्लीकेशंस कहती है, नेटवर्क कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है, या नन ऑफ द अबव, देख सकते हो यहाँ पे बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि कंप्यूटर को कि कैसे उसको अपने कंपोनेंट को यूज़ करना है। ओके, कंपोनेंट कौन से होते हैं, CPU हो गया, CU हो गया, रजिस्टर्स हो गए, मेमोरीज होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या लैंग्वेज है। अब बात आती है सर कि सिस्टम और एप्लीकेशन के बारे में जानने की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके हम एक स्पेशल पर्पस के लिए जिनका यूज़ करते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वर्डपैड आ गया, इनके अलावा भी अगर कंप्यूटर में नहीं भी होंगे हमारा कंप्यूटर तब भी चल जाएगा। अगर हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम नहीं होंगे, तो हमारा कंप्यूटर कभी भी रन नहीं कर सकेगा। द मैनुअल टेल्स यू नो टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब आपको एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि किस तरह से इंसान की बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है, बट ये उसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, जैसे खाने के बिना इंसान नहीं रहता, ठीक है ना, उसी तरह से कंप्यूटर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना बेकार है। द यूज़र, इसका आंसर आएगा यूज़र, ठीक है, यूज़र मैनुअल टेल्स हाउ टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। व्हाट इज़ द
एक्रोनियम ऑफ BOIOS स्टैंड फॉर। देखिए FA के एग्जाम में आपको आप रहने दीजिए कि आपको एब्रिविएशन आएंगे, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंक्लूड बोथ फर्मवेयर एंड पावर मैनेजमेंट। कौन कवर करता है? ये आपका BOIOS करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आता है कि ऑर्डर ऑफ ए पेरिफेरल डिवाइस टू ऑपरेट करेक्टली इट इज मस्ट बी इंस्टॉल। इसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जब आपकी कोई डिवाइस बनती है तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर सेटअप किए जाते हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इसमें एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यहाँ पे सेटअप किए जाते हैं कि किस तरह से आगे उनको प्रोसेस करना होता है जब उनका काम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बता दिया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं काम कर सकता है। क्या वो डाटाबेस प्रोग्राम है, क्या वो वर्ड प्रोसेसर है, क्या स्प्रेडशीट है? मैंने अभी बताया कि जब भी कोई डिवाइस बनती है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर सेटअप किए जाते हैं और उनके बिना कंप्यूटर का चलना मुश्किल होता है। इट हेल्प्स द कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? वो आपका क्या है? ट्रांसलेटर तो नहीं होगा, ट्रांसलेटर द्वारा ही होती है, ठीक है। लिंक प्रोग्राम। लिंक प्रोग्रामर क्या होता है? लिंक प्रोग्रामर प्लेस द प्रोग्राम इन द मेमोरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। रीएलोकेट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम द स्पेसिफिक मेमोरी और एलोकेटेड टू इट। समझ नहीं है इसकी, आगे चलते हैं। लिंक्स द प्रोग्राम विद द अदर प्रोग्राम्स नीड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है जो हमें पीछे पड़ा, एक लिंकर का क्या प्रोग्राम होता है। ये इसका प्रोग्राम सर ये होता है कि एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में उसका लिंक करता है जिसको ज़रूरत होती है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। मेन पर्पस क्या रहता है? मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू रिजॉल्व द रेफरेंस अमंग फाइल। किसका ये काम होता है? ये होता है लिंकर का काम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज। कौन सा इनमें से है जो कि मेन मेमोरी में ऑलवेज पड़ा रहता है? वो होता है आपका लोडर, ठीक है। लोडर आपका सिर्फ मेन मेमोरी में आपको देखने को मिलेगा। ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रीक्रिएटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, वो आपका लोडर ही है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट विल यूजर टू यूटिलाइज ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज टू क्लासिफाइड। मैंने क्या बोला था? जब हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू पर्टिकुलर टास्क। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, वो सॉफ्टवेयर जो हम एक पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है, डाटा है, डाटा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये भी इसका यही आएगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जगह आपने पढ़ा है आप किस तरह से आंसर करो? इट इज़ यूज कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। इट इज़ यूज टू हेल्प द प्रोग्राम्स, नो। परफॉर्म स्पेसिफिक, यस। इट इज़ ऑप्शन थर्ड। देखिए JKSSB भी क्या होता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है हमारा, इतना प्रेशर होता है हमारे दिमाग में कि हम आता जाता क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन की समझ नहीं आती, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं कि इसका हिंदी में मतलब क्या निकल रहा है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना होता है क्योंकि आपने ज़्यादा फोकस करना होता है अपने रीडिंग पे, और जिस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका एग्ज़ाम उसी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करना ही आपको, चैनल भी सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया। तो पर्सनल क्वेरी कोई भी होती है आप हमारे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर करें, ना कि आप अपने कमेंट में बताएं। हाँ, ऐसे टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा और कब इसकी क्लास वगैरह होगी, ये चीज़ें पूछने वाली। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करनी है तो तभी मैं बोलता हूँ कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई बात करनी है वो वहाँ पे शेयर करें, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और एक इम्पॉर्टेंट बात हो रहा है हमारी, हिस्ट्री ऑफ JNK एक टॉपिक चल रहा है हमारा MCQ का, उसके ही हमारा दो पार्ट हो गए हैं, ठीक है। JNK के मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ JNK के हमने जब क्लास 4 के टाइम पे हमने हिस्ट्री कवर की थी वहाँ पे भी आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और कंप्यूटर नॉलेज का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है गाइस। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।